सलाम और जिंदाबाद सभी को। आज का दिन CSA और हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ पे विजिबिलिटी डे ट्रांसजेंडर्स का मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज ये हॉल काफ़ी कलरफुल लग रहा है क्योंकि हम सब रंगीन हैं, हमारी जिंदगियाँ रंगीन हैं और उसी रंगों को लेके हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज के इस खास अवसर पे, इस खास दिन में हम कुछ रंगों को पहचानेंगे, कुछ रंग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की है, ऐसे रंगों को नज़दीकी से देखने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि जब हम ये ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारे बीच में विजिबल होने के लिए जो लड़ाई है इस पूरे कम्युनिटी की, इस पूरे स्ट्रक्चर को ललकार के हम हैं और हम जिंदा है इस व्यवस्था में, ये विजिबिलिटी दिखाने का जो काम है वो सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये कलेक्टिव है, ये संगठन का प्रोसेस है और CSA उसको बढ़ावा दे रहा है। इसलिए बहुत बहुत CSA का भी बहुत धन्यवाद एक बार। साथ ही में आज हम कुछ लोगों को नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि जिनके सारे अधिकार छीने गए हैं, फिर वो राशन की लाइन हो या फिर बैंक की लाइन हो, वो स्कूल हो या अस्पताल हो, वो माँ का आंचल हो या बापू का आंगन हो, भाई बहनों का प्यार हो या अपनों का साथ हो, सब कुछ छीन के जाने के बाद भी जिन्होंने आज तक जिंदा रहने की आस नहीं छोड़ी है, ऐसे सारे रंगीन लोग हमारे सामने हैं और फिर से एक बार मैं उनको सलाम करते हैं और CSA का धन्यवाद है कि जिन्होंने इस रंगीनियत को पहचाना, हमको इकट्ठा लाया और हमको एक साथ लाके इस तरह के अवसर का उपलब्धि हमको करके दी है। बेसिकली मैं यूपी से हूँ और इधर मुंबई में लगभग 5-7 साल मुझे इधर हो गए। उस आने के बाद में मैं कम्युनिटी से नहीं मिले, बाद में मेरे को मिले, जबकि से पहले मैंने मेरा जो एजुकेशन है मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब में थे लेकिन उधर में बहुत अकेला फील करते थे, छोड़ के साथ में बहुत भाग गए और मुझे सिंगिंग करना, डांस, एक्टिंग ये सब पसंद है। तो फिल्म सिटी में कैरियर बनाने के चक्कर में आए थे कि बहुत अकेला हुए थे, तो उसके बाद मुझे इतनी कम्युनिटी मिली जहाँ से मुझे साहस मिला है और एक हौसला मिला कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ऐसे जो मेरा भी काम है वो मैं झांकी आर्टिस्ट हैं, राधा कृष्णा शिवाजी महाकाली दुर्गा ये सब करके मैं परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, लेकिन बात ये थी कि मैं रोज़ मुझे काम नहीं मिलता है, तो कभी किसी महीने में अच्छा काम हुआ, किसी महीने में बिल्कुल काम के बराबर होता है, तो बहुत ही दिक्कत होती थी। वैसे में मुझे संस्था से ये जो हमारा ग्रुप मिला, कम्युनिटी मिला, इधर से मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर की है, तो लोग मुझे सिलाई मशीन दिए क्योंकि मैं सिलाई भी कर लेते हैं, तो फ्री टाइम में जो मेरे पास काम नहीं रहता है तो मैं घर पर बैठ कर सिलाई करते हैं, उससे भी मुझे दो पैसे कमाने का मौका मिला जिससे मेरी जीविका और समय समय पर ये बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग से यहाँ से होता है, जैसे साबुन बनाने का हमें सिखाया गया था, घर पे हम बना सकते हैं मोमबत्ती बनाने का, और भी बहुत सारा ट्रेनिंग यहाँ से हमें मिला कि
हम ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रोड पे घूमना है या हम किसी के ऊपर सहार किसी के ऊपर डिपेंड रहने, हम खुद एक स्वावलंबी बन के और हम आगे बढ़ सकते हैं, वो समझे यहाँ से। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा घर यूपी में है, परिवार उससे दूर है, लेकिन यहाँ पे मुझे कभी किसी की कमी नहीं खली। यहाँ पे हर तरह से मुझे सपोर्ट मिलता है एक परिवार की तरह। मैं धन्यवाद करते हैं कि मुझे मेरा ये परिवार मिला। थैंक यू। मेरा नाम प्रतीक है, मैं संतरू से हूँ। मैं चाय का स्टॉल चलाती हूँ और खाली टाइम में हाउसकीपिंग का काम कर वहाँ से मेहनत करके मैं इस ग्रुप पे पहुँच गई। तब से मेरे को अपनी खुशियाँ ये करने का जाहिर करने का मुझे अवसर मिला है और इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मेरे को बहुत ही खुशियाँ मिली है और साथ मिला है कि इन लोगों के साथ रह के मैं आगे और बढ़ना चाहती। तो प्रतीक्षा जी चाय का स्टॉल चलाती है सेंटाक्रूज़ में, हम सब एक दिन ज़रूर चाय पीने के लिए आएंगे प्रतीक्षा जी आपके स्टॉल पे, पार्टी करेंगे। तो आपको ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर जर्नी को, ताकि ये स्टॉल और आगे बढ़े, आप जैसे और लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े, यही उम्मीद है। प्रतीक्षा जी आपको क्या लगता है कि CSA ने और किस तरह से अच्छा काम हम कर सकते हैं एक साथ मिल के, या कुछ आइडियाज आप शेयर करना चाहोगे कि इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, ज़्यादा लोगों को हम लाइवलीहुड और एजुकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं? कुछ एक दूसरे को साथ देंगे और उनकी परेशानी तो ओके प्रतीक्षा जी, थैंक यू। हम ज़रूर पर्सनली भी परेशानियों के ऊपर काम करते हैं और करते रहेंगे। सो ये भी एक अच्छा सजेशन है।